हे गाइज, नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ठीक, तो गाइज आज की लेक्चर, आज की जो क्लास है वो कक्षा 10 की फिजिक्स के रहने वाली है। और आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहली एक स्थिति की जानकारी हम लोग इससे पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। आप उस लेक्चर को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। और उस लेक्चर को अटेंड करने के बाद जब आप यहाँ पर आएंगे ना, तो आपको लगेगा कि जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है वो आपके दिमाग में जा रहा है, आपको समझ में आएगी गाइज। तो आइए आज की क्लास सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने डियर गाइज, डियर स्टूडेंट से एक इच्छा प्रकट करता हूँ कि वो क्लास को जो है आज के सेशन को शेयर ज़रूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे दूसरी स्थिति क्या लिखा गया है, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। एक किसका निर्माण करेंगे भैया, अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। चलिए एक अवतल दर्पण बनाते हैं। तो अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जो बाहर की तरफ कलई किया जाता है, बाहर की तरफ पिंड किया जाता है। वो आपका कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है भैया, अवतल दर्पण। इतनी बातें क्लियर हुई, ये आपके कौन से दर्पण हो गए, अवतल दर्पण हो गए। ठीक, चलिए अवतल दर्पण। अब उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, एक मुख्य अक्ष का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक मुख्य अक्ष का निर्माण करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा गाइस, एक हम लोग क्या बना लेते हैं, मुख्य अक्ष बना लेते हैं। ठीक, ये हो गई मुख्य अक्ष। अब इस पर कुछ बिंदु होते हैं जो कि मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा के रखा है कि यहाँ पर जो होता है, जो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसे आप लोग पी से व्यक्त करते हैं। ठीक, और ये रेड वाली रेखा जो है, हमने पहले से बता दिया भाई ये कौन सी रेखा है, इस रेखा का और क्या नाम है, मुख्य अक्ष। क्या नाम है, मुख्य अक्ष। ये बातें आप क्लियर करेंगे जरूर। फिर उसके बाद यहीं कहीं जो है मुख्य फोकस होता है। क्या होता है, यहीं कहीं पर मुख्य फोकस होता है, हम लोग इसको मुख्य फोकस का नाम देंगे। और उसके बाद यहीं कहीं क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है, वक्रता केंद्र यानी सी होता है। तो ध्यान से समझिएगा, अब वस्तु कहाँ पर रखी गई है, वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। मान लीजिए ये दूरी अनंत, इधर चाहे जहाँ भी हो सकता है, ये दूरी अनंत है। हम मानते हैं वस्तु आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये देखिए पहला वस्तु, ये वस्तु ए हो गया और क्या हो गया, बी हो गया। ये किसके बीच में स्थित है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ये दूरी मान लीजिएगा आप अनंत दूरी है, ये दूरी कौन है, अनंत है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु चाहे जहाँ रख दो, यहाँ 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 यहाँ, चाहे जहाँ रखो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा वो आपको देखना है। तो आइए देखते हैं कहाँ पर बनता है। आपने पहला नियम पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ध्यान से समझिएगा हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। पहला नियम आप लगाइएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाती थी, आपने पढ़ा था दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। कहाँ से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये आपने पहला नियम पढ़ा था, याद कीजिएगा। मैंने ये बता के रखा है आपके इससे पिछले वाले लेक्चर में, मैंने आपको बताया जब मैंने पढ़ा रहे थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो उसमें मैंने तीन नियम बताया था। वो तीन नियम क्या थे, पहला नियम यही था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो कहाँ से होकर जाती, मुख्य फोकस से होकर जाती। ये बातें क्लियर हो गई, बातें क्लियर हुई। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा जरा सा ये जो वक्रता केंद्र वाला पॉइंट है इसको हम लोग घसका के यहाँ पर करते हैं। ठीक, आगे अब आपने दूसरा नियम क्या पढ़ा था, यदि प्रकाश किरणें कहां से होकर जाएं, यदि प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाए, कहां से होकर जाएं, वक्रता केंद्र से। यदि प्रकाश किरणें कहां से होकर जाएं, वक्रता केंद्र से। ये देखिए, यदि कोई प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं तो जिस मार्ग से गई रहती हैं पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं। ये बातें क्लियर हुई, ये बातें क्लियर हुई। आपने केवल दो नियम लगाया, दो नियम क्या लगाए, यदि कोई मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से जब टकराई तो मुख्य अक्ष के, और दर्पण से टकराई तो कहाँ हो गई भी, मुख्य फोकस से होकर गई। फिर हमने दूसरा नियम पढ़ा था, यदि प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं तो जिस मार्ग से आई रहती हैं पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो भैया ये जहाँ एक दूसरे को काटे,
जहाँ ये दोनों कीड़े एक दूसरे को काट रही हैं वहीं वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब ये बन गया। अब हम इसको मिला देते हैं तो ये वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो देखिए ये प्रतिबिंब का सिर है, ये नीचे है, तो इसका नाम बी डैश हो गया, और ये वाला भाग ऊपर मिला है, इसका नाम क्या हो गया, ए डैश। तो देखिए ये इस प्रकार जो है इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये प्राप्त हुआ। तो आप देखिए वस्तु इतना छोटा है, वस्तु इतना है और प्रतिबिंब इतना है, यानी एक बात तो जरूर पता चल रहा है कि जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। फिर पूछा गया कि कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, तो देखिए सी और एफ यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। बातें क्लियर हुई, बातें क्लियर हुई गाइस। देख के आप खुद बताइए, बुक की कोई चीज रटा नहीं जाता साइंस में, आप समझिए, आप उसको अपने लैंग्वेज में समझने का प्रयास कीजिए गाइस। मैंने क्या बताया कि ये जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। दो चीजें क्लियर हो गई, एक तो छोटा बना, एक मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना। तीसरी बात है दर्पण के सामने बना है ना, दर्पण के सामने बना है, तो जब दर्पण के सामने बना है तो ये कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। ये भी बातें क्लियर हो गई। अब बातें एक और समझ लेते हैं कि सीधा बना है कि उल्टा। भाई साहब ये देखिए, मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं, मार्कर आपका है, ये वस्तु है और प्रतिबिंब जो है ये ऐसे बना है, तो भाई प्रतिबिंब क्या हो गया, उल्टा बना है, क्योंकि प्रतिबिंब का जो सिर है वो ऊपर है, सॉरी वस्तु का सिर ऊपर है, प्रतिबिंब का सिर नीचे है, तो प्रतिबिंब क्या बना, उल्टा बना है। तो लिखिए, आइए पहला पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु ऐसे लिखेंगे, प्रतिबिंब कौन है, ए डैश बी डैश, वस्तु से, वस्तु कौन है, ए बी, वस्तु ए बी से छोटा बनेगा, क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आप क्लियर कीजिएगा, दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या नोट करते हैं, तीसरा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है तो प्रतिबिंब कौन सा होगा, वास्तविक होगा। तो तीसरा पॉइंट प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक। ये बातें आपकी क्लियर हुई। चलिए आपका चौथा पॉइंट क्या है, आपका चौथा पॉइंट क्या है, कहाँ बना है भैया, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को किससे व्यक्त करते हैं, सी से, वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस, मुख्य फोकस एफ के बीच बनेगा, एफ के बीच बनेगा, ठीक। ये बातें आपकी क्लियर हो गई। तो इस प्रकार आपके चार चीज़ें पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछता है गाइज, पेपर में आपसे पूछेगा कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर रखा जाए तो उस वस्तु का, बनने वाले वस्तु की प्रतिबिंब का आकार, आकृति और स्थिति निर्धारण कीजिए किरण आरेख द्वारा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अवतल दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाने के बाद वस्तु जहाँ पर कहा जा रहा है, अगर अनंत वक्रता केंद्र के बीच कहा जाएगा तो आप ये बनाएंगे, फिर बनाने के बाद ये चार पॉइंट लिख देंगे गाइज, तो आपको चार नंबर पूरे बोर्ड में मिल जाएंगे, इतना लिखने की जरूरत है। अब बताओ कितने लाइन आपने लिखा, चार लाइन भी पूरे नहीं लिखे हैं। तो गाइज ये आपकी क्लियर हो गई। तो प्रतिबिंब एक बार फिर से देखते हैं, प्रतिबिंब क्या बना, वस्तु से छोटा बना है, कौन है, ए डैश बी डैश। फिर क्या बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है। फिर क्या बना है भाई, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वस्तु को एक बार अनंत पे रखे, एक बार इन दोनों के बीच में रखे, अब पारी है कहाँ रखने पर, वक्रता केंद्र। आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो इस बार वस्तु कहाँ रखेंगे, स्थिति तीन, स्थिति तीन, स्थिति तीन में क्या करेंगे, जब वस्तु कहां पर हो भाई, इसको घसका के लाइए यहां पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र,
कहाँ भैया? वक्रता केंद्र सी पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र कहाँ पर हो? सी पर हो, वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, सी पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो आइए अब हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक, क्या बनाए? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कौन दर्पण होता है? जो बाहर की तरफ पॉलिश किया गया हो, जो बाहर की तरफ कलई किया गया हो, वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, एक मुख्य अक्ष बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक मुख्य अक्ष का निर्माण करेंगे। ठीक, ये आपने क्या बना लिया? मुख्य अक्ष। फिर उसके बाद यहाँ पर किसको दर्शाएंगे? ध्रुव को दर्शाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये कोई पॉइंट होता है, अगला पॉइंट का नाम देंगे मुख्य फोकस। और फिर इसके बाद क्या कर देंगे? वक्रता केंद्र यानी सी। ठीक, ये बातें क्लियर हो गई भैया। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, ध्यान से समझिएगा। और ये रेखा जो है क्या है? इस रेखा का नाम है मुख्य अक्ष। आइए ध्यान समझिए, अब वस्तु कहाँ पर रखनी है? क्वेश्चन ऐसे पूछा कि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो भाई साहब कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र यानी सी। तो वस्तु हम यहाँ पर रख देंगे, ये कोई वस्तु रख दिए, ऐसे फिर से रखते हैं, एक वस्तु रखते हैं। कहाँ रखना है वस्तु? वक्रता केंद्र पर रखना है। ये आपने वस्तु रख दिया, वस्तु का नाम ए और क्या हो गया? बी। वस्तु का नाम क्या हो गया? ए और बी। ये कहाँ रख दिया गया? वक्रता केंद्र पर रख दिया। कहाँ कहाँ पर रख दिए भैया? वक्रता केंद्र पर रख दिए। कहाँ पर रखे? वक्रता केंद्र पर। तो पहला नियम लगाइए, पहला नियम क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण से हो टकराती हैं, तो दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं भैया? दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये आपने पहला नियम लगा दिया। क्या आपने लगाया था? देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये बातें आपकी जरूर क्लियर होनी चाहिए। और साथ में ये कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब दूसरा आपने क्या पढ़ा था? दूसरा आपने दूसरा तो लगा नहीं सकते, तीसरा लगाएंगे। तीसरा क्या है? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ये लीजिए, ये कहाँ से हो जा रही है? मुख्य फोकस से होकर जा रही है। तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होगा? दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी? समांतर। तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समांतर। थोड़ा सा गाइज आप लोग स्केल की मदद से बनाएंगे तो ज़रूर आपका अच्छा बनेगा। ये देखिए, ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष के क्या हो गई? समांतर हो गई। तो ये प्रकाश किरण क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर इस किरण को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएं, तो इस किरण को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये लगभग एक दूसरे को यहाँ पर काट रही, देख रहे हैं? ये किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काट रही ना। तो जहाँ पर ये दोनों किरणें काटेंगी वहीं वस्तु का क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर काट रही, अगर हमने इनको मिला देते हैं तो जरा सा जो प्रतिबिंब बनने वाला है उसको हम लोग अलग से दिखाएंगे। तो ये बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो ये हो गया। ठीक, अब प्रतिबिंब का जो सिर है ये नीचे है, तो इसका नाम बी डैश हो गया और इसका नाम क्या हो गया? ए डैश। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला नियम आपने क्या लगाया? सबसे पहला नियम लगाया आपने कि मुख्य अक्ष के, यदि वस्तु से जो प्रकाश किरणें निकली वो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे पड़ी, तो दर्पण से पड़ने के पश्चात वो कहाँ से होकर चली गई भाई? मुख्य फोकस से होकर गई। फिर हमने तीसरा नियम लगाया कि मुख्य फोकस से यदि प्रकाश किरणें गई तो वो क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर काटी वहीं वस्तु का क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए, कहाँ पर काटी हैं? जहाँ वस्तु रखा गया था उसी के जस्ट नीचे काटी हैं। जहाँ वस्तु आपने रखा उसी के नीचे ये प्रतिबिंब बना है। तो भैया पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप? जो प्रतिबिंब है कहाँ बना है? प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? वक्रता केंद्र पर बना है। कहाँ पर बना है? वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर बनेगा। किस पे बनेगा? सी पर बनेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा, यानी वस्तु जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। तो वस्तु के आकार का बनेगा।
तीसरा पॉइंट क्या लिखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या लिखते हैं, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और साथ में आई भी लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, लास्ट है प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, ठीक, प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो इस प्रकार आप इन चारों स्थिति को दिखा सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, आपने पहला नियम लगाया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराई मुख्य फोकस से होकर गई। फिर तीसरा नियम लगाया मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराई मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये दोनों जहाँ काटी वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बना, तो देखिए जो प्रतिबिंब बना था वो वस्तु के बराबर बना है और वक्रता केंद्र पर बना है, तो आपने सब कुछ लिख दिया, वह उल्टा बना है। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए तो गाइज आज का लेक्चर, आज की जो वीडियो है, अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप जो भी मिले उस पर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा शेयर की गई ये क्लास हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइज आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू डियर स्टूडेंट।